मैं 42 साल हो गए यहीं के पीछे घूम रहा हूँ। अभी तक मजरूम शाह नहीं बने आप। मैं झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ, मैं कपड़े भी धो लेता हूँ। आजकल जो हुकूमत के मामला चल रहे हैं, आप इस पर भी बड़ी तवज्जो दे रहे होंगे, तो इनको आप अगर चार्ली के तौर पे देखें तो कैसे? अब तो मैं चार्ली पाकिस्तान हो गया हूँ ना। अस्सलामुअलैकुम, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ मंथली। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के चार्ली, जो कि चार्ली के नाम से मशहूर हैं और सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हैं। वो चार्ली कैसे बने, उनको चार्ली क्यों कहा जाता है, मैंने इवन देखा है कि उनकी हरकत भी चार्ली जैसी हैं। चार्ली आप लोगों को पता है कि इंग्लिश फिल्मों का एक हीरो था जो कि कॉमेडियन था, तो हंसाना बहुत मुश्किल काम है। और आजकल के स्ट्रेस के दौर में, आजकल के इस तरह के दौर में किसी को हंसाना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना और अपने दुख को छुपा लेना, ये बहुत बड़ा आर्ट है। तो मेरे साथ मौजूद है चार्ली, उनसे जानूंगी उनकी कहानी उनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब जी? आज कल बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, पहले बीमार? पहले कमजोर था ना, पहले हालात टफ थे ना, महंगाई बेरोजगारी ने मुझे बहुत परेशान किया था। तो अब जो है ना, ये लोग इस्लामाबाद की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे पाकिस्तान। अब तो मैं चार्ली पाकिस्तान हो गया हूँ ना, इतने वायरल हो गए। इतना अल्लाह का शुक्र है, मेरे 200 से ज्यादा इंटरव्यू है सोशल मीडिया पे और काफी टीवी चैनल का भी मेहमान बना। और मैं थिएटर भी कर रहा हूँ और मैं टीवी भी कर रहा हूँ और फिल्म भी कर रहा हूँ। आज तो मैं बड़ी एक सेलिब्रिटी के साथ बैठी हूँ, मेरे लिए खुद बाइस इज्जत बात। ये क्यों नहीं है चार्ली सर, मुझे ये बताएं कि आपका असल नाम क्या है और आप चार्ली कैसे बने, ऐसा क्या हुआ आपकी जिंदगी? एक्चुअली मेरा नाम तो काफी लोग जानते हैं, मेरा नाम रफाकत अली है और रफाकत ज़िया फेसबुक, और मैं ज़िया टीवी के नाम से एक वेब का मैंने चैनल बनाया। मैं लोगों को इंटरव्यू वगैरह करता था। साइड बिजनेस जो मेरा था वो था किताबों का। तो वो कहते हैं ना, इलाही अता कर मुझे सदाकतों के ऐसे चिराग कि जिनकी रोशनी लेकर मैं नगर नगर जाऊं, उसके बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं, इलम की रोशनी जमाने में आम कर जाऊं, लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाला कोई नहीं। सही। किताब अखबार वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैंने एक गोल्डन मैन का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद मुझे लगा कि हाय अल्लाह, ये तो फनकार ही नहीं है, ये तो मुँह में स्प्रे लगा के बस ऐसे खड़े हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं ट्राई करूँ। जब मैंने ट्राई किया तो अलहमदिल्ला मेरा निकल पड़ा। मुझे ये बताएं रफाकत साहब कि आपने चार्ली के करेक्टर को क्यों पसंद किया? कि मैंने पहले दिन मैंने अर्तुगरुल गाजी किया, ज़बरदस्त, वो भी मेरा लोगों ने बेहद उसे पसंद किया, लेकिन मैंने सोचा कि जो है ना हालात बहुत ज़्यादा टफ हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए जिस पे लोगों के चेहरे पे स्माइल आए और लोगों को खुशी महसूस हो। कितना मुश्किल काम है चार्ली साहब, अपने दुख छुपाना, दूसरे को हंसाना। तो वही यही ना कि सजाए रखते हैं चेहरे भी हंसी की किरण, ना जाने दिल में कितने शिगाव रखते हैं। वो कहते हैं हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई ना कोई गम होता है, तो आपके चेहरे आपके क्या मसाइल हैं? बस क्या करें, मैं जो है ना, ये जो हीर रांझा बना था ना, ये हीर रांझा, वो असल में रांझा मैं था। अच्छा। तो हीर नहीं मिले मुझे, तुम्हारी हीर काम है। बस मैं 42 साल हो गए यहीं के पीछे घूम रहा हूँ। अभी तक मजरूम शहर नहीं बने आप? हीर नहीं मिले, इसी वजह से मैं परेशान हो गया। आजकल तो इतनी हीरे हैं, कोई किसी से भी शादी कर ले क्योंकि अपनी हीरा। नहीं नहीं, शादी वाली बात नहीं। अच्छा, शादी कर चुके हैं? शादी कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे तो मजरूम शहरों की अल्हम्दुलिल्लाह वही ना। अब तो मैं कहता हूँ कि शादी करनी नहीं चाहिए। ये नहीं नहीं, बुढ़ भी तो रब दा जी है, मुंडे नाल कराइए काम तो जांदा की है। वो मैं करना पाल जुत्ती, वो होंगी है लागे सुती। सुती नू मैं नहीं जगांदा, चाह मैं अपनी आप बनाऊंगा, आप तो पींदा एक प्याली, ओनू देंदा भर के मग्गा। ऐवें लोकी मैनू कहंदे भई मैं बुढ़ी दे थले लगा ना। हां, बुढ़ी भी तो रब दा जी है, मुंडे नाल कराइए काम तो जांदा की है। फर्क ये होता है ना कि टेक्निकल जो होता है ना वो थोड़ा सा ये भी है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ऐसे करता हूँ, करता हूँ। तो जो नॉन टेक्निकल होता है ना, वो ये काम नहीं करता, वो वैसे मानता है सारी। अच्छा। लेकिन मैं सारे घर के कौन कौन से काम करते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कुकिंग सब? मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, मैं झाड़ू पोछा भी कर लेता हूँ,
मैं कपड़े भी धो लेता हूँ। अच्छा। मैं कपड़े भी धो लेता हूँ और तमाम तर जितने भी जो है ना घर के काम वो मैं ही करता हूँ। बाकी किसी को समझदार। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो हुकूमत के मामला चल रहे हैं आप इस पर भी बड़ी तवज्जो दे रहे होंगे, तो इनको आप अगर चार्ली के तौर पे देखें तो कैसे देखें? देखें जी, एक बात ये है कि अब सीरियसली बात तो ये है कि मैं ना ये हुकूमत के मुतल्लिक और ये बात ही मैंने बिल्कुल मैं वो अमरीश पुरी की फिल्म थी ना नीलपुर उसका इंटरव्यू लेता है तो वो कहता है अब नहीं बोलूँगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं एक फनकार हूँ तो जितना भी ये मैं पीटीआई के जितने भी टाइगर्स रात हैं और जितने भी सपोर्टर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और वायरल गया मैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं फनकार हूँ, तो मैं किसी को इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लूँगा कि जो उसके असरात बहुत बुरे होंगे। जितने भी पाकिस्तान के मुस्लिम के लिए एक दुआ है और जितने भी यहाँ पे पाकिस्तान के जो वज़ीरे आज़म होंगे ना जिनको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देती है वो मैं भी उसे मुझसे। सिर्फ एक आखिरी सवाल, आर्टिस्ट का काम होता है मुस्बत सोच लाना लोगों में, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये चार्ली का किरदार है आजकल के फ्रस्ट्रेशन के दौर में माशी बदहाली है हर तरफ महंगाई गुर्बत मतलब जिस बंदे को भी पूछो ना हर बंदा 1000 मसाइल का शिकार है, तो आपका जो चार्ली का किरदार है वो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने में कितना किरदार अदा करता है? मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक होता है सीखना, एक होता है गॉड गिफ्ट। तो ये मुझे गॉड गिफ्ट मिला हुआ है और मैं जितना भी मतलब गेटअप के साथ जितना परफॉर्म करता हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है ना मैं मतलब चेहरे पे स्माइल लाता हूँ। लोगों के मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाकर रोए कि मेरे पास से गुजरने वाला कोई बंदा जो है ना वो संजीदा नहीं रह सकता, वो गमगीन नहीं होता, उसके 100% उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब उनके चेहरे पर स्माइल आती है तो वो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। जारी बात है, मुस्कुराहट लाना आपका काम है, इनकम ऑफ सोर्स बनाना लोगों का काम है, तो इतनी इनकम हो जाती है जिससे इस मुश्किल दौर में आपका गुजारा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो कहते हैं कि इंसान का पेट तो कभी भरता नहीं, ठीक है, लेकिन जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात दे रही है मुझे, मैं अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस फील्ड में लाया तो वो अल्लाह ताला की ज़ात आगे जो भी फील्ड आगे मैं प्लेटफॉर्म देख रहा हूँ कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि आपको बखूबी पता है कि यहाँ पे बॉलीवुड की तरह अकेडमीज वगैरह तो यहाँ पे हैं नहीं, तो आर्टिस्ट जो है ना मैं तो एक अदना सा रोड का फनकार हूँ लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है ना वो रो रहे हैं बेचारे इस दौर में, तो लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरा वक्त गुजर रहा है मेरा वक्त। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे जो चार्ली बनना चाहते हैं? जी देखने नहीं करें, मैं तो 100% कहूंगा कि जो है ना आप अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करते रहो तो मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला की ज़ात होती है तो एक दिन आपकी कामयाबी मुकद्दर है। बहुत शुक्रिया चार्ली। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद के चार्ली जो कि सोशल मीडिया स्टार भी हैं और आजकल पूरे पाकिस्तान के चार्ली बन चुके हैं। उनका एक ही काम है जो गमजदा चेहरे हैं उनको हंसाना। उनका ये कहना है कि जो बंदा मेरे पास से गुजर जाता है वो नामुमकिन सी बात है कि वो हंसे ना, तो इस तरह के लोगों की कदर करनी चाहिए। इस तरह के लोग जहाँ पर भी मिले कोशिश किया करें कि उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका जो जिस गेटअप में है उसको इज्जत दें, क्योंकि फनकार भी हमारे माशरे का हिस्सा है और इनका काम होता है मुस्बत सोच लाना और लोगों के जो माइंड सेट बने हुए आजकल गुर्बत महंगाई माशी बदहाली और उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में सियासी अफरा तफरी है, इस तरह के माहौल में वो एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।